रोटी दे रामू, तू रोटी बाद में खा, पहले मेरा हाथ दे। आ गई छुड़ैल। अरे यूं ही तुझे पगली नहीं कहते, मेरा शाम के जोची है जो तेरा हाथ देखे। चाची, आज जमाते पड़ा हुआ है तो क्या मेरे हाथ के चार अकेले नहीं देख सकता? देखना अरे मेरी शादी कब होगी, बता दूं चली जाएगी। हुँ. तो देख, जब तेरे हाथ की ये लकीर मिट जाएगी ना, तो तेरी शादी हो जाएगी। ले, फिर मैं आप ही मिटा देती हूँ। मिटा ले। मगर तू मेरी शादी में आएगा ना? अरे मोई आऊंगा नहीं तो फिर होगा क्या? तेरा कन्यादान कौन करेगा? मेरे से कोई है तेरा दूसरा? कितना अच्छा रे। अच्छा है। जा। मैं थोड़ी रोटी ले। ए भाजी भी ले थोड़ी। जा। बेटा। वो जो शहर से सेठ आया है ना अपने गांव में। सुना है हम सब किसानों की जमीन हड़प कर जाना चाहता है। अरे माँ तू तो भोली है, जमीन वो गाजर मूली को हड़प कर जाएगा? हाँ? तू पैसे का बल नहीं जानता बेटा। और माँ तो किसान का बल नहीं जानती, धरती तो किसान की माँ होती है। माँ बेटों के होते हुए कौन उसकी तरफ आंख उठा के दे सकता है? अजी आंख की शर्म तो उठ गई सन 28 में बात करता है। भला तुम दोनों में शाम कौन है? ये भी पता नहीं, शाम ये है। शाम ये दोनों ही बाप बेटा मालूम होते हो। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? अजी सेवा तो करा चुके सन 28 में, अब तो खाली हेरा फेरी रह गई है। मैं मुंशी जी का चौधरी हूँ, चौधरी जी का मुंशी हूँ। हमारे चौधरी साहब किसानों से कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। सुना है तुम उनके मुखिया हो? हाँ भाई मुखिया हूँ, कोई मूर्ख थोड़ा ही हूँ। अपने चौधरी से कहो यहाँ नहीं चलेगी उनकी ठगी। क्या बात करता है? करती है भाई, एक शरीफ आदमी इतनी दूर से चलकर आया है, कम से कम जाकर उससे मिल तो लो। जा, हमें नहीं उनसे मिलना वाला। अरे छोड़ो माँ, मिलने में क्या हरज है? कह दो अपने चौधरी से मिल लेंगे। यही तो मैं भी कहता हूँ। अब सर मत खाओ, रोटी खाने दो। खाओ, खाओ खाओ, चलो बेटा चलो। मैं आप पर हुकूमत करने या लूटने की गरज से नहीं आया, बल्कि मैं तो आपके सामने वो ख्यालात रखना चाहता हूँ जो मैं शहर से आपकी जमीन के बारे में सोच रहा। माफ करना सेठ जी, जमीन हमारी, मालिक हम, फिर आप हमारी जमीन के बारे में सोचने वाले कौन? जरा शांति से सुनिए तो। हमें सेठ जी कुछ नहीं सुनना सुनाना। चलो भाइयों, बैठो बैठ जाओ जमना। अरे काका, किसी की बात मानना ना मानना तो बाद की बात, मगर एक भले आदमी की पूरी बात तो सुन लो। भाइयों, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? खुशहाली आपका साथ क्यों नहीं देती? दुनिया के अन्नदाता के खुद अपनी ऐसी हालत क्यों? क्या आपने जमाने का साथ नहीं? जरा आंख खोल कर देखिए जमाना कहां से कहां जा पहुंचा। फल और बैल की जगह मशीन और बिजली का समय, सौ आदमियों का काम एक आदमी करने लगा, महीनों का काम दिनों में होने लगा। अगर आप चाहते हैं हर किसान खुश रहे, हर मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले, आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपकी और अपने देश की सेवा कर सकें, तो अपनी छोटे छोटे टुकड़ों में बची हुई जमीनों को इकट्ठा कीजिए। अकेले खेती करने के बजाय मिलजुल कर खेती कीजिए। उसके लिए तजुर्बा और पैसा मेरा, जमीन और मेहनत आपकी, फिर देखिए थोड़े ही दिनों में खुशहाली कैसे हमारे कदम चूम। और सोने पे सुहागा ये कि हम सब खुद ही अपने मालिक होंगे, खुद ही अपने नौकर। बस मुझे और कुछ नहीं। हम सीधे साधे गांव के अनजान लोग, हम तो कुछ और ही समझ बैठे, मगर आज ने आप हमारी आंखें खोली। ये क्या कह रहे हो श्याम बेटा? कहने से पहले जरा सोच तो लो। सब सोच लिया है दिनों का। मैं मानता हूँ आप में सबसे छोटा, लेकिन अगर आपने मुझे अपना मुखिया माना है तो आज आपको मेरी बात नहीं माननी पड़ेगी। चौधरी साहब, आप शुभकामनाएं, मैं आपके साथ और ये सब मेरे साथ। शाबाश बेटा। ¶¶
श्याम भैया, अब तो छुट्टी की घंटी भी बज गई, बस करो, चलो चले। चलता हूँ भाई, जरा इसे खत्म करना। और कमाल है श्यामू भाई, जदनू देखो काम, तुम थकता ही नहीं। और तू बंदा की मशीन है, किसी की नौकरी थोड़ा ये भाई अपना काम है, उसमें थकने क्या बात है। अल्लाह फिर हम खे सकते हैं। अरे रतन, इतनी पीकर क्या होश रहेगा तुम्हें? अरे इतनी पीकर तो मैं होश में आता हूँ धर्मपाल, ये ड्राइवरी का धंधा है। जब तक गाड़ी पेट्रोल और ड्राइवर दारू ना पिए तो काम कैसे चले। ले थोड़ी तू भी पी। नहीं यार नहीं, मैं दिन में नहीं पीता। और सुन, तू भी मत दिया कर, कहीं उस पेट के चहेते श्याम को पता। अरे वो लौंडा क्या चीज है, धर्म से कहो धर्मपाल, आज इतने दिन हो गए स्टोर में हाथ मारते, किसी को कुछ पता चला? छोड़ यार, अरे गजब हो गया, वो कमबख्त इधर ही आ रहा है। अरे आता है तो आने दे, मैं क्या डरता हूँ उससे। राम राम श्याम भैया। राम राम भाई, अरे छुट्टी तो हो गई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? काम अधूरा छोड़कर छुट्टी मनाना मेरा असूल नहीं श्याम भाई। और ये तुम्हारा असूल है कि काम पे शराब पी के आते हो? शराब? मैंने शराब नहीं पी है। झूठ बोलते हो। देखो रतनलाल, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, समझे? नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना, मैं शराब छोड़ूंगा ना नौकरी। तू आवारा गली से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? कहो श्यामू बेटा। राम राम चाचा चाची। जी सर बेटा, जी सर। कहो चाचा, आज बंठन के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी चाची को लेकर शहर जा रहा हूँ बेटा, सामान खरीदने के लिए। अच्छा अच्छा, और चाचा कहो, मजे तो है ना? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, अब तो मजे ही मजे है, मजे ये ही सब मजे। तुम्हारा प्रताप है बेटा, तुम्हारा कहा नहीं मानते तो ये सब लहर भर कहाँ से होती? नहीं चाची, ये तो आप बड़ों का आशीर्वाद है। अरे बड़े तो रोटी और लंगोटी को तरसते थे। अच्छा चाची, बिल्कुल जी हो बेटा। जी सर बेटा। आ राजा, आजा बेटा, आजा। देखने लगता है मेरा दिल तेरे नाम पे। छोड़े से छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ता है कि नहीं। ए मैम साहब, कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। आप पत्थर छोड़ दीजिए, मैं हाथ छोड़ देता हूँ। जंगली। शुक्रिया। तो ये तुम्हारा कुत्ता है? जी हाँ। अगर मेरा ट्रांजिस्टर टूट जाता तो? अगर इस गरीब की हड्डी पसली टूट जाती तो? और अगर ये मुझे काट लेता तो? तुम्हें अस्पताल ले जाता। ओ शट अप। कौन? मैं, ये मेरा राजा। दोनों ही? जी नहीं, तीनों। आओ राजा। अरे बरखा बेटी। बेटी आ गई तुम? क्या बात है बेटी? अरे तू बोलती क्यों नहीं? हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? पहले आपको मेरी बात का जवाब देना होगा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ ना। हाँ मगर। और मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ ना। हाँ मगर बात क्या है? तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मेरे लिए स्टेशन पे एक मामूली नौकर तक भेजने की तकलीफ क्यों नहीं की? तो क्या सरिता तुम्हें स्टेशन पे नहीं मिला? मैंने तो उस कमबख्त को ट्रेन टाइम से घंटा भर पहले भेज दिया था। वहाँ तो ट्रेन जाने के घंटा भर बाद भी कोई नहीं आया। आपको मालूम है मुझे क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए? आखिर हुई ना वही बात जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटी। ये तुम्हारा मुंशी श्रीधर दो कौड़े का आदमी नहीं, मेरा बस चलता तो उसे कक्का नौकरी से चलता कर देती, पर ना जाने उसने तुम पर क्या जादू कर रखा है। आ जा लेने दो उस पगले को। सारा खानदान ही पागलों का है, बात करता है। आज तो हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई। सर मुझे पहले ही पता था कि बरखा इस गाड़ी से नहीं आएगी, और आती भी कैसे, आखिर बेटी किस बाप की है। गुस्ताखी माफ सर, आप भी जिस गाड़ी से आने का तार देते हैं उस गाड़ी से कभी नहीं आते, इसे कहते हैं खून का असर। ये खून भी अजीब चीज है सर। एक बार सन 28 में मेरे पिताजी का बदमाशों के साथ झगड़ा हो गया और पिताजी की नाक से खून बह निकला, जिसे देखकर मेरी भी आंखों में खून उतर आया।
अगर वो बदमाश भाग ना जाते सर तो किसी ना किसी का जरूर खून हो जाता सर। मैं पूछता हूँ तुम रेलवे स्टेशन गए थे या नहीं? और नहीं तो क्या पुलिस स्टेशन गया था सर? अजी मैंने तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास डाइनिंग रूम वेटिंग रूम सब छान मारे मगर बरखा देवी का कहीं पता ही नहीं। तुम कैसे हो सकती हो? तुम तो यहाँ अभी आए ही नहीं। सर कौन सी गाड़ी देखी थी तुमने? जी जी वही जिससे बरखा बेटी आने वाली थी यानी लखनऊ जाने वाली गाड़ी। इडियट नाम से लखनऊ से आने वाली गाड़ी देखनी थी या जाने वाली? आने वाली जाने वाली। ओहो इस आने जाने के धोखे में मारा गया सर। ये धोखा भी अजीब चीज है सर। इसी तरह एक बार सन 28 में मेरे पिताजी सर शर्म से तुम्हें डूब मरना चाहिए। बाल सफेद हो गए मगर एक मामूली सा काम करने की भी तुम्हें तमीज नहीं। मगर सर बंद करो अक्कल फूटी कौड़ी की नहीं और सूट बूट ऐसे कैसे फिरता जैसे लाट साफ हो। कल अपना हिसाब साफ कर लो और दफा हो जाओ यहाँ से। हिसाब साफ कर लो दफा हो जाओ 100 दफा सुन चुका हूँ सर मगर इस दफा ये तो बताइए कि दफा होकर जाऊँ कहाँ इस उम्र में? सारी जिंदगी तो आपकी सेवा में कट गई। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं आज दफा हो ही जाता हूँ। नमस्ते मुंशी अंकल। रहन दो बेटी रहन दो, ये कोई नया किस्सा नहीं है। ना हम इसे निकालने वाले हैं और ना ये निकलने वाला है। चाची कल अपना सिर भी धो लिया का पगली ले तू भी गोली ले। अरे गोली को मार गोली ये तो पता तो नहीं कि मेरी डोली कब उठने वाली है। अरे मोई तेरी डोली भी उठ जाएगी जब तक मैं झगड़े करती रहती हूँ। माँ बात ये भी है ये भी कोई नई बात है हर महीने लाता है तू। अरे माँ तनख्वाह हर महीने लाता हूँ तरक्की तो हर महीने नहीं लाता। तरक्की? हाँ मुझे 50 रुपए तरक्की मिली है पूरे 50 रुपए। भगवान तुझे हमेशा तरक्की दे।